गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन टूडे वी विल डू योर रीडर चैप्टर सिक्स द पंजाब अ ग्लिप्स ग्लिप्स क्या होता है एक नजर ये एक टीचर है जो अपने बच्चों को डिफरेंट जो पंजाब के चीजें हैं उनके बारे में बता रहे हैं जैसे जलिया वाले बाग के बारे में फोक डांस के बारे में मार्स के बारे में ये कहां पे दिखा रहे हैं एक जैसे एक जगह पे सारा कुछ इकट्ठा किया हो प्रदर्शनी लगाते हैं ना कोई या कोई चीज डिस्प्ले कर देते हैं और उनके बारे में बच्चों को नॉलेज देते हैं ठीक है बेटा बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, चिल्ड्रन यू मस्ट फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब सेड मिस्टर मैथ्यू पॉइंटिंग एट द भंगड़ा डांसर इन फ्रंट ऑफ द पंजाब पेविलियन जैसे बल्ले ओ बल्ले बच्चों यू मस्ट है आपने पहचान ही लिया होगा बल्ले और बल्ले वर्ड से कि ये कौन सा फेमस डांस है किसका है फोक डांस होता है लोक नाच किसका है पंजाब का कौन बता रहा है टीचर है मिस्टर मैथ्यू पॉइंटिंग करके हुए इशारा करते हुए भंगड़ा डांसर की तरफ जो पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं सामने इन फ्रंट ऑफ द पंजाब पेविलियन पंजाब पेविलियन क्या होता है कि तंबू लगाते हैं ना जैसे तंबू लगा के उस उसपे चीजें डिस्प्ले की जाती हैं डिफरेंट तरह की तंबू हो गया मंडप हो गया ठीक है आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है और उसके अंदर चीजें डिस्प्ले की जाती हैं यस सर वी सॉ दिस फोक डांस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर रिप्लाइड द चिल्ड्रन कहते यस सर हमने देखा है ये फोक डांस कहाँ पे देखा है गणतंत्र दिवस की जब सेलिब्रेशन हो रही थी इस साल में बच्चे रिप्लाइड करते रिप्लाइड, करते। रिप्लाइड क्या होता है आंसर देते हैं दिस डांस इज फुल ऑफ एनर्जी कहता है इस डांस में फुल ऑफ एनर्जी चाहिए फुल ऑफ एनर्जी में होता है ताकत से होता है इट शोज द ग्रेटेस्ट फॉर लाइफ ऑफ द पंजाबीज ग्रेटेस्ट जीवन शक्ति की उनके जीने की इच्छा को जाहिर करता है कुछ बोला ये सेड मिस्टर मैथ्यू पंजाबीज आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब सम्मान जोग है एंड हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं हार्ड वर्किंग मेहनती दे नेवर स्ट्रेच देयर हैंडोर एनी बडी फॉर अलार्मा किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाते होता है भीक मांगने के लिए दे नेो देयर बैक इन द बैटल फील्ड और बैटल फील्ड में कभी भी अपनी बैक नहीं दिखाते है. मतलब लड़ाई के दौरान भागते नहीं मुसीबत से भागते नहीं दीपल ऑफ पंजाब फेस्ड ऑल द फॉरन इन्वेंशन बोल्डलीशन क्या होते है इन्वेंशन हमले फॉरन विदेशी बोल्डली बोल्डली बहादुरी से उन्होंने सारे विदेशी हमलों का सामना किया ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम पंजाब गेव द कंट्री ग्रेट हीरोज कहता है कि जो इंडिया की फ्रीडम के लिए आजादी के लिए जो स्ट्रगल हुआ था संघर्ष हुआ था उसने उसमें से पंजाब के बहुत सारे ग्रेट हीरोज थे। पंजाब ने हमने बहुत सारे ग्रेट हीरोज़ हैं उनमें से कौन से दे इंक्लूडेड सच पैट्रियोट्स, देशभक्त है लाला लाजपत राय भगत सिंह सुखदेव उधम सिंह करतार सिंह सराबा एंड मैनी वी कॉल लाला लाजपत राय शेरे पंजाब एंड भगत सिंह शहीद आजम लाल लाजपत राय को क्या कहते हैं शेर ए पंजाब क्या जाता है और भगत सिंह को शहीद आजम क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी सही शहीद हो गए थे ऑल दीज ब्रेव सन्स ऑफ पंजाब सेक्रीफाइस देयर लाइव फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड इन सभी पंजाबियों ने बलिदान दे दिया था अपनी जानों का किसके लिए अपनी मदर लैंड मातृभूमि के लिए मदर लैंड मातृभूमि बच्चे अब देख लो मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं आप कई बार मेरे से क्वेश्चन करते हो कि मैम आपने करवाए नहीं है मैं लेसन में ही करवाती हूँ ये जरूरी नहीं आपको एक एक वर्ड ही आएगा क्या पता लेसन में कौन सा आ जाए इसलिए सारे लेसन के वर्ड मीनिंग किया करो लाला लाजपत राय है लाला लाजपत राय डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रूटल लाठी चार्ज वाइल ही वॉज लीडिंग अ प्रोसेसन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन नाइनटीन ट्वेंटी टू लाला लाजपत राय की मौत कैसे हुई थी लाठी चार्ज थे ब्रूटल झालम बहुत बुरी तरह से किया था कब किया था जब वो लीड कर रहे थे अगुवाई कर रहे थे जुलूस की जो कि ब्रिटिश के खिलाफ 1928 को हो रहा था भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रिटिश क्रुएलिटी क्रुएलिटी क्या था जुलम हैंग कर दिया था सुखदेव एंड राजगुरु को लटका दिया था फांसी पे हैंग्ड होना है, फांसी पे लटकाना क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी रेज देयर वॉइसिस किसके खिलाफ उठाई थी ब्रिटिश के जुल्मों के प्रति भगत सिंह वॉज देन जस्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड यू कैन सी द पोर्ट्रेट ऑफ ऑल दिस फ्रीडम फाइटर इन दिस पेविलियन कहता कि पेविलियन मतलब इस पेविलियन में या इस तस्वीरों में आपको इन सभी फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी देगी उनकी पिक्चर नजर आ रही होगी ठीक है बच्चे सर वट इज दिस बिल्डिंग दैट हैज बुलेट मार्क ऑल ओवर इट्स वॉल आज चिंटू चिंटू जो स्टूडेंट है बोलता है की ये मार्क जो इस बिल्डिंग पे मार्क लगे हुए है ये किसके हैं उसको पिक्चर दिखाई दे, दे रही है आपको भी दिखाई दे रही है किसकी पिक्चर है ये रिकॉग्नाइज करो आपको ये मैंने पहले भी करवाई हुई है यस yes. जिसकी ये पिक्चर ये झलिया वाला बाघ दिस इज द फेमस जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर हियर ऑन 13 अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन अ कराउड ऑफ अराउंड 20,000 पीपल हैड गैदर्ड फॉर अ पब्लिक मीटिंग दे इंक्लूडेड मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन द ब्रिटिश जर्नल डायर केम देअर विद हीज रिफलमैन कहता है ये किसकी बिल्डिंग है जलियांवाला बाग की जो अमृतसर में है नाइनटीन को एक कराउड यहाँ पे इकट्ठी हुई थी एक मीटिंग के लिए शांतमय मीटिंग के लिए हुई थी इसमें बहुत सारे आदमी औरतें और बच्चे शामिल थे तो जो ब्रिटिश जर्नल डायर था उस टाइम का वो वहां पे आया अपने रिफलमैन के साथ रिफल मैन क्या होते है? बंदूक ची जिनके पास बंदूक होती है ही ब्लॉक्ड बंद कर देने ऑल द एग्जिट बाहर निकलने वाले रास्ते विदाउट गिविंग एन एनी वॉरिंग बिना कोई चेतावनी दिया उसने सारे रास्ते बंद कर दिए ही ऑर्डर हिज रिफल मैन टू फायर एट द क्राउड और रिफल मैन जो उनके बंदूकची थे उनको इनपे फायर करने का ऑर्डर दे दिया अबाउट वन थाउजेंड पीपल वर किल्ड एंड मोर देन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर वाउंडेड हजार के करीब पीपल मर गए और पंद्रह सौ के करीब जख्मी हो गए पंजाब सफर्ड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इन 1947 फोर्टी सेवन कहता पंजाब ने बहुत कुछ सहा है फ्रीडम को पाने के लिए इंडिपेंडेंस के लिए द कंट्री वॉज पार्टीशन कहता 1947 उन्नीस सौ में क्या किया था दो टुकड़े कर दिए देश के देर वाज ट्रेबली ब्लड शेड बहुत ज्यादा खून बहा थाउजेंड ऑफ पीपल है जिनको अपने घरों से निकाल दिया जाता है और किसी और की शरण में रहना पड़ता है शरणार्थी कहता है कईयों को अपने घर छोड़ने पड़े और शरणार्थी बन के रहना पड़ा हाउ एवर द ब्रे पंजाबी इज वर्क हार्ड एण्ड स्टार्टड लाइफ अ फ्रेश कहता पंजाबी बहुत बहादुर है उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड की और दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन द रीबिल्डिंग द स्टेट उन्होंने जो राज है पंजाब उसको दोबारा स्थापित करने में बहुत ज्यादा मेहनत की भूमिका निभाई दे मेड पंजाब द ग्रेनरी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क कैनाल एंड द भाकड़ा नंगल प्रोजेक्ट पानी मतलब उन्होंने पंजाब को एक चेन की तरह बना दिया नेटवर्क क्रिएट कर दिया जिसमें कैनाल नदियां आती थी नहरें आती थी जैसे आपने देखा ना भाकड़ा नंगल प्रोजेक्ट जिसमें पानी हम स्टोर करते हैं, दे ब्रॉट अबाउट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन क्रांति। किन्नों ने लाई थी पंजाबियों ने इट इज मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द पंजाबीज दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री बट अ डेवलपिंग नेशन कहता है यह पंजाबियों की मेहनत का ही सदका है जो कि इंडिया अब पुअर कंट्री नहीं है डेवलपिंग कंट्री है मतलब कि जो विकसित तो नहीं है विकासशील है मतलब जो मेहनत कर रही आगे बढ़ रही है सर नॉट पंजाब फर्दर डिवाइडेड द स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज केव्ड आउट ऑफ इट राजू सैट आस्क्ड राजू राजू पूछता है कि सर पंजाब एक बार पहले तो जब इंडिया और पाकिस्तान बना तब भी डिवाइड हुआ पंजाब बाद में भी हुआ ना डिवाइड जब हरियाणा और हरियाणा बनाया गया था कावड वैसे तक खोदना यू आर राइट राजू इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब आर रिकोगनाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड हिंदू लैंग्वेज सम ऑफ द हिली एरियाज ऑफ पंजाब लाइक लाहौल स्पीति the valleys of khulu and manali's kangra dalhousie and shimla shimla were integrated with himachal pradesh chandigarh was made made the joint capital of both punjab and haryana it was declared a unitary union territory kehta hai ki sab bolte hain yes raju aap right ho in 1966 ko punjab ko uh, alag kiya gaya tha kiske basis par hindi and punjabi language ki ke. kuch kehta hilly areas pahadi rajya the पंजाब के और वैली सी कुल्लू एंड मनाली की कांगड़ा डलहौसी एंड शिमला उनको इकट्ठा कर दिया था और हिमाचल प्रदेश में किसमें इकट्ठा कर दिया इंटेग्रेटेड होता है इकट्ठा करना किसमें हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ को उनकी सांझी कैपिटल राजधानी बनाया गया था किसकी पंजाब एंड हरियाणा की इट वॉज डिक्लेयर अटनियन टेरेटरी यूनियन क्या होता है साझी राजधानी